हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस निखिल सोलंकी, स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस चैप्टर 1 पार्ट 3। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी कवर किया था, आई विल नॉट बी एबल टू, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन, समझ रहे हो, नो इश्यूज, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, हम सीधा आगे बढ़ते हैं। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया देखना, जिसने भी मेरा पार्ट 1 और 2 देखा है उसको ये इतना स्मूथली, मतलब उसको मेरा लिंकेज का स्टाइल पसंद आएगा, मैं कैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंकेज करता हूँ। और हाँ, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ना फिर भी आसान रहता है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है, बच्चों को मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, यू नो, बैंग ऑन टारगेट हम रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे। अगेन आई रिपीट, यहाँ से गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स 2024 मार्च की एग्जाम में तगड़े 5 मार्क्स, अगर मेरे सिर्फ 5 या 6 पार्ट्स होंगे इसके मैक्स टू मैक्स, तो सभी अगर पार्ट्स देखे तो वो 5 मार्क्स तो लेके आ ही रहा है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो भारत, भारत जो देश है, इंडिया हैज गिफ्टेड टू द होल वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। अब 1 to 7 चैप्टर, कभी भी 1 से 7 चैप्टर एस एस के स्टैंडर्ड 10 के पढ़ रहे हो तो ये लाइन तो बनता ही बनता है, मतलब सेकेंड देयर मस्ट बी सम इश्यू। भारत ने दुनिया को, यस गॉट इट, इंडिया हैज गिफ्टेड, सिर्फ भारत के लोगों को नहीं पूरी दुनिया को, एक वैविध्यपूर्ण डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। ये लाइन आपको पूरे 1 to 7 चैप्टर में कोई भी टॉपिक लिख रहे हो दिल से लिख देना है। कैसे लिख देना है, दिल से, जैसे सिग्मा सर पढ़ाते हैं दिल से पढ़ाते हैं। इंडिया हैज गिफ्टेड टू द होल वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज, बात खत्म। नेक्स्ट वाला लाइन, अब ये कल्चरल नेचुरल हेरिटेज तो चलो एक समन्वय था, ठीक है, 3 चीज़ों का, एक नेचर का, एनवायरनमेंट का, ह्यूमन का, ये सब गिफ्ट थी, सब ऐसे म्यूचुअल एक्सचेंज से सब मिलता था, और उसका इतिहास मैंने आपको बता दिया था। अब क्या है कल्चरल हेरिटेज, मतलब क्या, तो कल्चरल हेरिटेज सिर्फ और सिर्फ इंसानों ने बनाई है। कल्चरल हेरिटेज इज अ मेन हेरिटेज, जो हमारा कल्चर है, सिर्फ कल्चर, मतलब कल्चर में हम किन किन चीजों को इंक्लूड करना पसंद करेंगे। कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन हेरिटेज, आगे कैसे, तो इंसान ने वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, इंसान ने जो भी चीज का सर्जन किया है, कैसे, विथ हिज टैक्ट, मतलब उसकी कुनेह बोलते बोल दो आप, उसकी विजडम कुशलता से समझो, उसकी कला कारीगरी से समझो, स्किल, उसकी कोई पर्टिकुलर स्किल के द्वारा उसने किसी भी चीज का निर्माण किया है या तो किसी भी चीज को हासिल किया है, उसी चीज को हम कल्चरल हेरिटेज बोलते। तो क्या हो गया, देखो पहले 3 लाइन, बैंग ऑन टारगेट, इंडिया हैज गिफ्टेड टू द होल वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज, ठीक है ना, बराबर है। नाउ कल्चरल हेरिटेज इज अ मेन हेरिटेज, इंसानों द्वारा बनाई गई हेरिटेज है। जो भी चीज, वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड, इंसानों ने कोई भी चीज अगर हासिल करी है, कुछ बनाई है बाय ह्यूमन, उसकी टैक्ट, टैक्ट द्वारा, TWAS, टैक्ट, टैक्ट, TWAS, टू एस करके याद कर दो, कैसे याद कर दो, TWAS, कल्चरल हेरिटेज के लिए, अगेन मैं यहां पे लिखता हूं, थोड़ा ध्यान रहेगा, टैक्ट, विजडम, आर्ट और स्किल, टूएस, अपनी टूएस की मदद से जो भी चीज बनाई है, हासिल करी है, उसी को हम कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं, बराबर है, टैक्ट, विजडम, आर्ट और स्किल। देखो अभी यहां पे कैसी कैसी आगे और एक लिंकेज बनता है आगे, कल्चरल हेरिटेज हमारा क्यों ऐसे रीच, ये 12 वर्ड को हम याद रखेंगे, पढ़ते जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा कल्चरल हेरिटेज इतना डेवलप कैसे हुआ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्यंस, आर्यंस से शुरुआत करके सत्रप, कुषाण, हंस, ये जो हंस, हंस बोलते हो ऐसे हम लोग उसको, हंस लोग, दो 4th and 5th सेंचुरी में इन लोगों ने बड़ा आतंक मचा के रखा था, यू नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बड़े खतरनाक लोग थे। फिर पर्सियंस, तुर्क, अरब, मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और फिर बहुत सारे लोग आए। हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि हमारे देश में मतलब लोगों का, अटैकर्सों का कोई भी कमी नहीं था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द, इन सारी प्रजातियों के लोग, सारे देश के लोग, कुछ भी बोल दो, मतलब
इतने सारे लोग भारत में आए जिसमें से अलग अलग प्रकार की कास्ट भी आई, अलग अलग प्रकार की ट्राइब्स भी आई, सब भारत में आए स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्यन सत्रप के। इसके लिए भी आप कुछ बना सकते हो, जैसे मैंने वहां पे क्या बनाया था, ट्वास बनाया था, यहाँ पे भी ऐसे कुछ बना सकते हो आप अपने हिसाब से, ए के के एच पी टी ए एम बी एफ, आप कुछ भी बना सकते हो, है ना। कास्ट एंड ट्राइब्स हैव केम टू इंडिया, भारत में इतने सारे देश के लोग आए जहां पे अलग अलग कास्ट आई, अलग अलग ट्राइब्स आई, यू नो। और इसी की वजह से इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज बिकम रिच। अभी इनके साथ इनका कल्चर हमारे देश में आया, हमारा कल्चर उनके साथ गया, तो ये जो मिश्रण हुआ उसी की वजह से हमारा जो कल्चर हेरिटेज है वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी रिच हो गया। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया जो हमने स्टार्ट किया, यू नो, उसमें सबसे पहला लाइन हमारा था, इंडिया हैज गिफ्टेड द होल वर्ल्ड डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज, राइट। अब ये जो कल्चरल हेरिटेज है वो कैसा है, मैनमेड हेरिटेज है। नाउ इंसान ने जो भी हासिल किया, यानी रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय टू एस, कैसे, टू एस, टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल, उसी को हम कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। उसके बाद में हमारे देश में कौन से आर्यन से लेके लोग कैसे कैसे लोग आए, आर्यन, सत्रप, कुषाण, ए के के, हंस, पर्सियंस, तुर्क्स, अरब्स, अगेन ए एम, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, इतने सारे लोग आए, बराबर है। आप चाहो तो ऐसे मैं आपको शुरुआत करवा सकता हूँ, ए के एच पी टी ए एम बी एफ, यू नो, बहुत सारे आप अपने हिसाब से उसको याद कर सकते हो, ए के एच टी पी ए एम बी एफ, याद करने का अच्छा तरीका है, यू नो, आर्यन, सत्रप, कुषाण, हंस, फिर पर्सियंस, तुर्क्स, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, अच्छा है ना। ए के के एच टी पी अच्छा वर्ड है, ए एम भी अच्छा वर्ड है, बी एफ भी अच्छा वर्ड है, आप इसको इस हिसाब से अच्छे से याद कर सकते हो, एक भी वर्ड्स मिस किए बिना, यू नो, रिलेट करो, कोरिलेट करो एक हर एक चीज़ों को। तो यहाँ से इन सारे देशों से कास्ट और ट्राइब्स हमारे देश में आती गई, और इन सारे लोगों की वजह से हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है म्यूचुअल एक्सचेंज की वजह से मतलब फूला फला, अच्छा अच्छा हो गया। तो आपको कल्चरल हेरिटेज का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैराग्राफ था मैंने यहाँ पे आपको दो चीज़ें सिखाई, टू एस एंड ए के के एच पी टी ए एम बी एफ, आपको हर एक चीज़ याद रह जाएगी। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। नाउ अगर कल्चरल हेरिटेज की ही बात है ना, तो वही कल्चरल हेरिटेज को क्या हमने दुनिया को भी दिया है क्या, ऑब्वियसली। तो हम याद कर ले, द पीपल फ्रॉम द इंडिया, तो भारत के जो लोग हैं फ्रॉम द प्रीहिस्टोरिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हमने अभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख की हम बात नहीं कर रहे, भारत के लोगों ने प्रीहिस्टोरिक पीरियड मतलब क्या, जहां पे हिस्ट्री लिखना शुरुआत भी नहीं हुआ था, आज से 5-6 हजार साल पहले हमें हिस्ट्री नहीं पता है। तो द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्रीहिस्टोरिक पीरियड, हम प्रीहिस्टोरिक पीरियड हम जितना हिस्ट्री को जानते उससे पहले भी भारत के लोगों ने पूरी दुनिया को ऐसे इन्फ्लुएंस किया, कंट्रीब्यूट किया लोगों के जीवन शैली को, पहले वाला पॉइंट। नाउ द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर्स ओल्ड। ये जो आर्किटेक्चर आपको पता है, स्कल्पचर मतलब ये जो दिख रहे हैं हमारे बियर्डेड मैन स्कल्पचर, ये जो आर्ट है, ये जो कला कारीगरी है, वो तकरीबन 5000 साल पुरानी है ना। नाउ यहाँ पे जो भी ये द रिमेन्स ऑफ, और यहाँ तक हम जाएंगे ना, ये हम इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जाना पसंद करेंगे, सिंधु खिंडी संस्कृति, बराबर ऐसा बोला जाता है। ये चैप्टर की शुरुआत में ही भी हमने बोला था कि जो भारतीय संस्कृति है, जो वो विकास पामी है, फुली फली है, वो सिंधु खिंड और रावी नदी के किनारे पे, रिवर्स, इंडस वैली रिवर और रावी नदी के किनारे पे फुली फली है। तो उस हमें उनके अवशेष मिले, द रिमेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु खिंड की संस्कृति थी उसके जो रिमेंस मिले, अवशेष मिले, उस वो क्या किस चीज का पुरावा देता है, इज एन एविडेंस ऑफ दिस। ये जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर है वो 5000 साल पुरानी कला है, उसका पुरावा हमें, प्रूफ कहां पे मिलता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिमेंस हमें मिले वहां पे हमें उसका पुरावा मिल जाता है। अब वहां से हमें क्या क्या मिला, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जब स्कल्पचर देखते हैं, द रिमेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते, तो हमें वहां पे क्या क्या मिलता है, एक बार गूगल कर लेना सब इमेजेस को। तो वहां पे हमें गॉड एंड गॉडेसेस के मतलब फिगर्स मिलते हैं, जैसे स्कल्पचर जैसे मिल जाएंगे।
वहां पे ह्यूमंस के स्कल्पचर मिल जाएंगे, एनिमल्स के स्कल्पचर मिल जाएंगे और काफी सारे टॉयज के भी। जैसे ही गूगल करोगे ना इंडस वैली स्कल्पचर्स, आपको काफी सारे मतलब एक ही शॉट में मतलब तुरंत ही हर एक इमेजेस आ जाएगी, टॉयज भी मिल जाएंगे आपको एज वेल एज स्कल्पचर ऑफ द बियर्डेड मैन बोलो बाजू में ही दिख रहा है आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया इन द स्टेच्यू ऑफ अ डांसर। अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो ये स्कल्पचर बने थे वहां पे ये भी था। अब इनको देख के हमें ऐसे सेल्फ एस्टीम्ड और प्राउड होता है हमारे कल्चर के ऊपर, हमें क्या फील होता है, एकदम प्राउड फील होता है। इस पैराग्राफ को हम फिर से पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से भारत के लोगों ने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया, ऐसा बोल दो क्या, तो पूरी दुनिया को ऐसे कंट्रीब्यूट दिया है, लोगों को कंट्रीब्यूट किया है कि आर्ट में हम ये है, यू कैन ऑल्सो कॉपी अस। उसके बाद में ये जो हमारा स्कल्पचर और आर्किटेक्चर का आर्ट है वो एटलीस्ट हमें पता चलता है कि 5000 साल पुराना है। इसका पुरावा हमें कहाँ पे मिलेगा? तो ये जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का आर्ट है वो एटलीस्ट 5000 ईयर्स ओल्ड है। इसका प्रूफ हमें देगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहाँ पे मिलेगा? द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी हमें जो अवशेष मिले उसको खोदकाम के दौरान। अब ये जो रिमेन्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो रिमेन्स है अवशेष है, उनको देख के हमें प्राउड फील होता है। हमें वहां पे क्या क्या मिला? ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ, ये जो अवशेष मिले, फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ह्यूमंस के भी, एनिमल्स के भी, और सेवरल टॉयज भी वहां पे मिले, स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन एंड द स्टेच्यू ऑफ अ डांसर, हमें क्या फील होता है? ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्कल्पचर देख के, आर्किटेक्चर देख के हमें क्या फील होता है? एक सेल्फ एस्टीम की भावना आती है और हमें हमेशा प्राइड फील होता है इन आवर कल्चरल हेरिटेज। तो ये पैराग्राफ को हम कंट्रीब्यूट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। उससे भी ज्यादा फर्दर वैन, इससे भी बढ़कर फर्दर वैन, व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलॉक, आपने पता है वो इन्वर्टेड मतलब लोटस है, इन्वर्टेड मतलब ऐसे लोटस सीधा होता है उसको उल्टा कर दो, इन्वर्टेड लोटस, ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। हर एक इमेज हमारे लिए यहाँ पे इंक्लूड करना इतना आसान नहीं होता है। फर्दर वैन अ फिगर ऑफ बुलॉक, सॉरी फर्दर वैन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलॉक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ, ये इन्वर्टेड लोटस उल्टा लोटस बराबर है, उसके ऊपर बुलॉक और लायन का फिगर है। ये कब बनाया गया था? मौर्यन एरा में बनाया गया था, मौर्यन, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में द स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म, जो गौतम बुद्धा का जो मेडिटेशन करते हुए एक स्टैच्यू है। उसके अलावा और द कालखंड स्टैच्यूज ऑफ द जैन तीर्थकर्स, गौतम बुद्धा के स्टैच्यू के अलावा उसके भी आगे हम जाते हैं, कालखंड स्टैच्यूज मिल जाते हैं हमें जैन तीर्थंकर्स के। उसके भी आगे हम अगर बढ़े तो केव्स ऑफ इलोरा, इलोरा की गुफाएं कब बनाई गई थी, किन्होंने बनाई गई थी, तो राष्ट्रकुत्ता डायनेस्टी के राजाओं ने बनाई थी, एटसेट्रा। और इनको भी देख के जैसे इस पैराग्राफ में ऑन सीइंग दिस, ऐसे ही बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, अगेन हमें प्राउड फील होता है, अगेन हमें खुशी होती है, ग्लैड होता है, एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज, हमें ऐसे महसूस होता है कि यस वी बिलोंग टू अ वेरी गुड कल्चर एंड आवर पूर्वज जो थे हमारे वो बड़े ही, आवर एंसेस्टर्स हैव बीन वेरी टैलेंटेड। हम वापस इस पैराग्राफ पे आते हैं। ये पैराग्राफ हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम पे किया। इस पैराग्राफ में हमने काफ़ी सारी जगहों को जाने की कोशिश करी, उसमें भी सबसे पहले मौर्यन एरा में गए, फिर बुद्धा जी का स्टैच्यू, उसके बाद में कालखंड स्टैच्यूज ऑफ तीर्थ जैन तीर्थंकर, सॉरी आज थोड़ा बोलने में ऊपर नीचे सर्द हो चुका है, फिर द इलोरा की गुफा, जो गुफाएँ कब बनाई गई थी, राष्ट्रकुता डायनेस्टी के दौरान बनाई गई थी, और इनको भी देख के हमें प्राउड फील होता है। फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर्स ऑफ बुलॉक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा, द स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन द मेडिटेटिव फॉर्म, मेडिटेशन के फॉर्म में, और द कालखंड स्टैच्यूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स, द केव्स ऑफ इलोरा ऑफ राष्ट्रकुता डायनेस्टी एटसेट्रा, और ये बहुत सारी चीजें हैं टू नेम अ फ्यू। बाय सीइंग दिस द और इस हेरिटेज को देख के, बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज। देखो मैं दो बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पहली बार जब व्हेन आई एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो हमने जब पहली बार पढ़ाया तो हमने लाइन टू लाइन, वर्ड्स टू वर्ड्स गए, बराबर है। उसके बाद में हमने फिर भी कुछ अगर आपको ऊपर नीचे लग गए तो एक बार और एक पैराग्राफ को रीड कर दिया, देन हम वापस नेक्स्ट पैराग्राफ के गए।
और उसको भी अच्छे से समझाया, वापस दूसरी बार समझाया। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। ये हमें बताना चाहते हैं हमारी कल्चरल हेरिटेज क्या है, बराबर है। अवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स, ये वर्ड्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ये लोग यहाँ पे इंक्लूड वर्ड यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे इंक्लूड वर्ड यूज कर देना, इंक्लूड्स रादर। हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है और क्या क्या इंक्लूड करता है, तो हमारा कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स पैलेसेस, जो राजा महाराजाओं के पैलेस होते हैं, बिल्डिंग्स। क्यों ये सब क्यों? याद करो ट्वास, याद करो ट्वास क्या था? टैक्ट, विजडम, आर्ट और स्किल से इंसानों ने कुछ भी रिसीव किया है, कुछ भी बनाया है, अचीव किया है, क्रिएट किया है, ये सब चीजें कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया या किसी देश की भी कल्चरल हेरिटेज में ये सब चीजें आ जाएगी। ट्वास यानी क्या? टैक्ट, TACT, विजडम, आर्ट और स्किल, इन चारों चीजों से अगर इंसान ने कुछ बनाया है तो वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो क्या पैलेसेस इंसान ने नहीं बनाया? बनाया है। क्या बिल्डिंग इंसान ने नहीं बनाया अपनी ट्वास से? हाँ बनाया है। देखो ट्वास वर्ड है, मैंने कॉइन किया है। स्कल्पचर्स जो है इंसान ने नहीं बनाया? हाँ बनाया, अपनी ट्वास से बनाया है। स्टूपास क्या इंसान? हाँ इंसान ने बनाया। विहारास, चैत्यास, देखो चैत्यास और विहारास के बारे में एटलीस्ट इस चैप्टर में आपको इन डिटेल नहीं पढ़ना है, बराबर है, तो उसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। हाँ आपको फिलहाल इतनी मतलब क्यूरियोसिटी हो रही है तो एक गूगल फोटो कर सकते हो, हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे वहां पे। टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम्स, फोर्ट्स एंड गेट्स, हमारे कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या चीजें आ जाएगी? पैलेसेस आ जाएंगे, एक आध वर्ड भूल जाते हो तो ठीक है, इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। कल्चर्स, टूपास, विहारास एंड चैत्यास, देखो ये तीन वर्ड तो एक साथ में ही जाते हैं, बराबर है। जैसे हो गया पैलेसेस, बिल्डिंग्स, राइट, उसके बाद में स्कल्पचर्स, तो पैलेसेस, बिल्डिंग्स और स्कल्पचर्स एक सांस में चले गए, एक साथ चले गए। फिर स्टूपास की अगर बात कर रहे हो तो विहारास की भी बात साथ में होती है, चैत्यास की भी बात साथ में होती है, और फिर अगर टेम्पल से मंदिर है तो मस्जिद, वो भी एक सांस में निकलता है हमारा। टॉम से, फोर्ट से और गेट से, ठीक है, आप समझ रहे हो ना हमको कैसे याद रखना है चीजों को। थोड़ा अपने आप को ऐसे मेमोराइज करो, चीजें हम भूलते हैं क्योंकि हम ढंग से पढ़ते नहीं है। देखो मैं आपको मेमोराइज टेक्निक बता रहा हूं। अवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स मतलब इंक्लूड करता है, क्या क्या इंक्लूड करता है, बराबर है। तो मैंने क्या बताया? पैलेसेस, बिल्डिंग्स और उसके साथ में स्कल्पचर्स, पैलेसेस, बिल्डिंग्स और स्कल्पचर्स, उसके बाद में तीनों चीज हमेशा साथ में दिखेगी आपको। जब भी एसएस पढ़ोगे अगर एक वर्ड आ रहा है तो दूसरे दो वर्ड एड ऑन होते हैं, स्टूपास, विहारास एंड चैत्यास, तीनों वर्ड एक साथ में आ गए। उसके बाद में मंदिर और मस्जिद, टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज, उसके बाद में टॉम्स, फोर्ट्स एंड गेट्स, एक आध वर्ड्स भूल जाते तो इट्स ओके। तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? पहला पैराग्राफ हमारा बैकबोन टारगेट था, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। नाउ उसके अलावा हमारा कल्चरल हेरिटेज कहां तक हमें लेके जा रहा है? इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, इसको भी हम हमारा कल्चरल हेरिटेज में लेंगे क्योंकि ये हमारा अचीवमेंट है। क्यों नहीं अचीवमेंट? अगर हमने हमारी आजादी हासिल करी है उसके लिए हमने कोई भी स्टेपिंग स्टोन था, अगर हमें किसी कोई भी जगह ने हमें मदद करी है तो भी वो हमारा कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। जैसे साबरमती आश्रम, उसका फोटो हम इंक्लूड कर पाए हैं लकीली। तो इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट लाइक साबरमती आश्रम, दांडी, बच्चे को पता है, बारडोली सत्याग्रह, वर्धा, शांति निकेतन ऑफ कोलकाता, बड़े बहुत ज़्यादा ही हमें मतलब हद से ज़्यादा क्रांतिकारी दिए थे कोलकाता ने, अग्रेसिव क्रांतिकारी दिए थे। फिर दिल्ली आज की तारीख में हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अगेन इस पैराग्राफ को भी हम मतलब लाइटली पढ़ सकते हो, साबरमती आश्रम के साथ सीधा दांडी जुड़ा हुआ है, तो दूसरा वर्ड भी बारडोली का सत्याग्रह, गुजरात की ही बात कर रहे हैं हम, तीनों चीज़ें, फिर वर्धा, शांति निकेतन कोलकाता पे गए, दिल्ली एक्सेट्रा, बहुत सारे पैलेसेस है, लिखना चाहो लेकिन बुक में जो नहीं है मत लिखना, ठीक है ना। कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, तो ये सब चीज़ें भी एक कल्चरल पार्ट ऑफ हेरिटेज में होता है ना। बिसाइड्स लैंग्वेजेस, इसके अलावा देखो ट्वास, वापस मैं वो वर्ड को कॉइन करता हूँ, टैक्ट, विजडम, आर्ट और स्किल से इंसान ने जो भी क्रिएट किया है, क्या वो कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा नहीं होना चाहिए? हाँ। तो क्या लैंग्वेज हमने हमारी विजडम से, टैक्ट से नहीं बनाई? हाँ हमने बनाई है। क्या स्क्रिप्ट हमने नहीं बनाई? हमने बनाई है। फिर डिस्कवरी ऑफ जीरो भी इंसान ने, मैन मेड है,
मैथमेटिक्स है, कैलेंडर है, एस्ट्रोनॉमी है, आयरन। देखो आयरन आपको है ना ऐसा डाउटफुल लगेगा, नहीं, हमारा जो हिंदुस्तान का आयरन का जो हिस्ट्री है ना वो भी बड़ा महान है, इसीलिए आयरन को भी हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में डाला गया, एक पर्टिकुलर वर्ड है। लिटरेचर की क्या बात करें, रिलीजन की क्या बात करें, युद्ध शास्त्र भी हमारा बड़ा महान हुआ करता था, कैरियर बोल दो, चैरियट बोल दो, जैसे ही मुंह बदलेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ, दूसरा वर्ड बोल रहा, बंदा बोल रहा है, वो अलग अलग लोग उसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सही गलत सबको पता होता है, फिर भी जो एजुकेटेड लोग हैं उनको तो पता ही होता है, और ठीक है मुझे भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो बोल रहा है उसको बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर पॉलिटिकल साइंस भी एक हमारी देन है, हमने दुनिया को सिखाया है, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, बॉटनी भी हमें पता है, जूलॉजी भी पता है, यू नो, वनस्पति शास्त्र, बॉटनी, जूलॉजी मतलब प्राणी शास्त्र, उनकी स्टडी, रिलीजन, ये रिलीजन दो बार क्यों आया बुक में, गलती है कि नहीं है देख लेना, ज्यूडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, अच्छा पूरी दुनिया को हमने ही सिखाया था कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, है ना, आर द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया, ये सब भारत की डिस्कवरी है, ये कल्चरल हेरिटेज का ये पैराग्राफ हम बैंक ऑन टारगेट रहे, हमारा ये पैराग्राफ भी बैंक ऑन टारगेट रहे, इसको तो हम 100% दे दिया, बराबर है, ये हमें मतलब बचपन से पता है। फिर इंडिया ने क्या किया डिस्कवरी की, लैंग्वेज हमारी देन है, स्क्रिप्ट हमारी देन है, डिस्कवरी ऑफ जीरो दुनिया को हमारी देन है, मैथमेटिक्स दुनिया को हमारी देन है, कैलेंडर भी दुनिया को हमने दिया, वन ऑफ द बेस्ट कैलेंडर्स ऑफ ऑल टाइम, एस्ट्रोनॉमी भी हमारी देन है, आयरन का इतिहास पढ़ लो एक बार हमारी देन है, लिटरेचर हमको दुनिया को हमने दिया, धर्म दुनिया को हमने दिया, युद्ध शास्त्र भी हमारा है, कैरियर, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, फिर जुडिशरी सिस्टम हमारी वन ऑफ द बेस्ट जुडिशरी सिस्टम ऑफ ऑल टाइम, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दुनिया को हमने सिखाया कि हमें एनवायरमेंट को प्यार करना चाहिए, पर्यावरण को प्यार करना चाहिए, आर द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया, यू नो, आइए भट्ट जी का फोटो है आगे आपकी बुक में, आगे के चैप्टर में आता रहता है। अब हम आपको याद दिला के दें कि आप पढ़ रहे हो गुजरात की बुक, आप गुजरात में पढ़ रहे हो, है ना, तो फिर अगर सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो पूरी बुक में, सोशल साइंस की पूरी बुक में आपको कहीं ना कहीं गुजरात के हर एक चैप्टर में गुजरात के बारे में तो पढ़ना ही है। क्या करना है, पूरे इंडिया के बारे में एक ऊपर से ओवरऑल रिव्यू होगा, उसके बाद में स्पेसिफिकली गुजरात का इतिहास आपको कैसे भी करके बताया गया होगा। तो हम जानते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, गुजरात का कल्चरल हेरिटेज क्या है, यानी इंसानों ने ऐसा क्या क्या बनाया जिसके ऊपर हम गुजरात के लोग और पूरी दुनिया गर्व कर सकती है। तो देखो ट्वास, फिर से हम याद करते हैं TWAS, इंसान ने अपनी टैक्ट, अपनी विजडम, अपनी आर्ट, अपनी स्किल से जो भी बनाया उसको हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, तो करते हैं। ये स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका है, ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर की लिखावट नजर आएगी, जूम कर लेना। द प्लेसिस हैविंग कल्चरल लीजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस, आर्कियोलॉजिकल मतलब वो खुदाई के दौरान जब हमें कुछ मिला तो वहाँ पे इंक्लूड हो जाता है लोथल। हम गुजरात की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों का नाम है लोथल जो धोड़का तालुका में आया है। हाँ, इंग्लिश में धोड़का लिखा है बट इट इज धोड़का तालुका, है ना। ये जो द प्लेसिस हैविंग कल्चरल, हम क्या पढ़ रहे हैं, द प्लेसिस हैविंग कल्चरल लीजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस, वो क्या है, लोथल है, जो कहां पे आया है, धोड़का तालुका में आया है, रंगपुर जो लिंबड़ी तालुका में आया है, इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, लिंबड़ी सुरेंद्रनगर जिले में पड़ता है, धोड़ावीरा जो कच्छ में आया है, रोजाड़ी और श्रीनाथगढ़ जो राजकोट जिले में आया है, एटसेट्रा। तो हमने चार जगहों को नोटिस किया अभी, क्या कितनी जगहों को नोटिस किया, चार जगहों को। सबसे पहले तो लोथल हमने क्या नोटिस किया, लोथल नोटिस किया, फिर आपने रंगपुर नोटिस किया, बराबर है, उसके बाद में तीसरा था धोड़ावीरा बोलिए हम लोग, बराबर है, और उसके बाद में रोजाड़ी बोल दो या तो श्रीनाथगढ़ बोल दो, रोजाड़ी और श्रीनाथगढ़ बोल दो, इसको भी आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो, LRDR ऐसे आप याद रख सकते हो अपने हिसाब से। देखो ये आर्कियोलॉजिकल लीजेंडरी प्लेसेस है, बराबर है, आपको ऐसे वहाँ पे जाके प्राउड फील होता है, तो हमारा जो इतिहास है आपको ज़्यादा जानने को मिलता है। लोथल जो है वो धोड़का तालुका में आया हुआ है, लोथल।
फिर जो आपका रंगपुर है वो लिंबड़ी तालुका इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट आया है, तालुका लिंबड़ी है, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है। धोड़ावीरा कच्छ में आया हुआ है, जहाँ पे लोग बहुत सारा घूमना पसंद करते हैं। रोजाड़ी और श्रीनाथगढ़ है वो राजकोट में आया गया है। यहाँ पे हमने चार चीज़ें कवर करी, आपको याद रखना है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात की हम बात कर रहे हैं, चार चीज़ों को आपको याद करना है। LRDR हमने वापस कॉइन किया। द प्लेसिस ऑफ पिलग्रिमेज आर विकरी टावर ऑफ वडनगर। अगर आपको पिलग्रिमेज करने हम जाते हैं वहाँ, वो क्या क्या हो गया, तो विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एट जूनागढ़, राइट, मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर, सन टेंपल ऑफ मोढ़ेरा, चांपानेर ना दरवाजा, गेट ऑफ चांपानेर, रुद्र महालया ऑफ सिद्धपुर, सिद्धपुर का रुद्र महालया, मानसर लेक ऑफ वीरमगाम, मानसर लेक ऑफ वीरमगाम। देखो यहाँ पे है ना, अभी थोड़ा बहुत लिखने में बुक में थोड़ा ऊपर नीचे, समझने में शायद ऊपर नीचे हो जाए, मैं बता दूँ। जामा मस्जिद अहमदाबाद में आया है, जुलता मीनारा अहमदाबाद में आया है, जिसको सेकिंग टावर्स बोलते हैं। सिदी सैयद की जाली भी, जिसको ग्रिल बोल दो जाली को, वो भी अहमदाबाद में आया है। और टेम्पल्स ऑफ हाथी सी वो भी अहमदाबाद में आया। तो ये इधर से लेके इधर तक ये सब अहमदाबाद को बिलोंग करती है। जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, जुलता मीनारा, सिदी सैयद निजाड़ी और टेम्पल्स ऑफ हाथी सी, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ अहमदाबाद है। फिर सहस्त्रलिंगा लेक ऑफ पाटन, ये पाटन में आया है। वडोदरा का राजमहल, वन ऑफ द यूनिक एंड बेस्ट, मतलब एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, वन ऑफ द बेस्ट, एकदम जोरदार है राजमहल, कभी जाओ तो देखना। फिर टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, ये मोहब्बत खान ये जूनागढ़ में आया है, आपकी बुक में लिखा नहीं है, चलेगा। और पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग प्लेसेस, हमें देखने में मजा आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, आपको याद रखना है। काफ़ी सारी चीज़ों आपको पहले से पता थी क्योंकि आप गुजरात से बिलोंग करते हो, फिर भी मैं रिपीट करवा देता हूँ। इसको हमने कैसे LRDR लिया, LRDR लिया, लोथल, रंगपुर, धोड़ावीरा एंड रोजाड़ी और श्रीनाथगढ़। यू नो लोथल जो है धोड़का तालुका में आया है, और ये जो द प्लेसेस हैविंग कल्चरल लीजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस आर लोथल, यू नो धोड़ावीरा, रंगपुर, रोजाड़ी, श्रीनाथगढ़। कहाँ पे आया है वी ऑलरेडी डिस्कस, द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, फिर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ मोढ़ेरा, गेट ऑफ चांपानेर, चांपानेर के दरवाजे भी रिपीटेड, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, मानसर लेक ऑफ वीरमगाम, जामा मस्जिद, चार चीज़ें, जामा मस्जिद, जुलता मीनारा, सीधी सैयद निजाड़ी और टेम्पल्स ऑफ हाथी से, ये चार चीज़ें अहमदाबाद में आई है। फिर सहस्त्रलिंगा लेक ऑफ पाटन, देन वडोदरा का राजमहल बनता ही है, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान कहाँ पे, जूनागढ़ में, एंड मोर देन दैट पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग, देखने में मजा आ जाता है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं, बराबर है, बढ़िया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, हम गुजरात का हेरिटेज पढ़ रहे हैं, हम ये जो पैराग्राफ आएंगे वो सिर्फ गुजरात के ही आएंगे। प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर, अरे यार सब कुछ हर जगह पे हम घूमते रहते हैं, द्वारका जाते रहते हैं, द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ, तो अब धार्मिक इंपॉर्टेंस वाले गुजरात के प्लेसेस क्या है, क्या आप घूमे हुए, क्या आपने नाम सुना है, तो फिर कहाँ टेंशन लेने की बात है। हाँ, एक आध चीज़ आपको नहीं पता होगी, फिर भी हम याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो द्वारकाधीश मंदिर जो आया है, द्वारका में आया है, जो हमारा रिलीजियस इंपॉर्टेंस का प्लेसेस है। शारदा पीठ ऑफ जगतगुरु, ये आपको नहीं पता होगा, शंकराचार्य है ना, जो शारदा पीठ है वो भी गुजरात में आई है। शारदा पीठ ऑफ जगतगुरु शंकराचार्य वो गुजरात में आई है, वो आपको नहीं पता होगा। क्या सोमनाथ गुजरात में आया, आपको नहीं पता है। जो सोमनाथ मंदिर है, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से सोमनाथ जो मंदिर है वो यहाँ पे आया, गुजरात में आया है, वो आपको पता ही होगा। फिर अंबाजी, कितनी ही बार घूमने जा चुके होगे आप, दर्शन करने जा चुके हो अंबाजी, नॉर्थ गुजरात, बनासकांठा जिला लगता है वहाँ पे। बहुचरा जी महसाणा डिस्ट्रिक्ट में है, बहुचर माता का मंदिर है, सबको पता होगा। रणछोड़ राय मंदिर डाकोर में, किसको नहीं पता, तो ये सब हमें पता है। डाकोर खेड़ा जिला में पड़ता है। और सामड़ा जी ना मेरे रमजन यूरे पेंजड़ी वगैरह, ऐसा कुछ था, मैं जब बचपन में था ऐसा कुछ गरबा था और उसके ऊपर हम अच्छा झूमते थे। अरवल्ली की पर्वतमाला है, अरवल्ली जिला मायल से सामड़ा जी, हम रिपीट करते हैं, देखते हैं आपको क्या याद था क्या नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका में आया, सबको पता है। शारदा पीठ अब जगत गुरु शंकराचार्य वो गुजरात में आया था, वो आपको नहीं पता था, वो हमने पढ़ लिया। एट द सेम टाइम आपको पता था सोमनाथ मंदिर गुजरात में आया है, वन ऑफ द प्राउडेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया, हद से ज़्यादा ज्योतिर्, और वो हमारे देश के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है, उनमें से एक है, सॉरी
अंबाजी नॉर्थ गुजरात में आया, बनासकांठा जिला में पड़ता है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बहुचराजी मंदिर, बहुचर माँ का मंदिर है, यू नो, महसाणा में पड़ता है। रणछोड़ राय द्वारिकानो नाथ हमारो राजा रणछोड़ छे, तो द्वारका में भी वहीं हमारे श्री कृष्ण जी। रणछोड़ राय इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने एक बार रण छोड़ा था, वो इतिहास शायद हमें पता ही होगा। डाकोर में है रणछोड़ राय जी का मंदिर, खेड़ा जिला में पड़ता है, सामड़ा जी अरवली डिस्ट्रिक्ट। वेल आगे बढ़ते हैं, वेल नोन रिलीजियस सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर। देखो हम घूमने जाते हैं ना, यहाँ थोड़ा लिखने में समझने में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। जो पोलो फॉरेस्ट है, लोग बहुत टूर में जाते हैं, हम भी एक बार हमारे ट्यूशन से टूर जा चुके हैं, हाँ हम अंबाजी भी जा चुके हैं हमारे ट्यूशन के टूर से। पोलो फॉरेस्ट जो विजयनगर में पड़ता है, पोलो फॉरेस्ट विजयनगर में आया हुआ है, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये पोलो फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। फिर काइट फेस्टिवल कहाँ पे होता है, काकरिया कार्निवल में होता है, अहमदाबाद में होता है। फिर तानारीरी फेस्टिवल जो है वो वडनगर में होता है, तानारीरी फेस्टिवल वडनगर में होता है। और नॉर्थन डांस फेस्टिवल मोडेरा, फिर रणोत्सव कच्छ में होता है। तो कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना, पोलो फॉरेस्ट जो घूमने लायक है वो विजयनगर साबरकांठा में आया है, काइट फेस्टिवल कार्निवल काकरिया कार्निवल के दौरान अहमदाबाद में होता है, तानारीरी फेस्टिवल नॉर्थन डांस फेस्टिवल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था हमारा, हमने अभी जो पढ़ा वो गुजरात का भी हिस्ट्री पढ़ा, कल्चरल हिस्ट्री पढ़ा, हमने हमारा भारत का भी हिस्ट्री पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। हम अब आज का जो सेशन है उसके डेड एंड पे है। मैं हर बार बोलता रहता हूँ जब हम आखिरी वाले पॉइंट पे होता है ना, तो आज पार्ट थ्री एसएस का हम डेड एंड पे है। एक दो तीन लाइन है हमें ख़त्म करनी है। टूरिस्ट, तो अगर हम गुजरात के बारे में पढ़ रहे हैं तो टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन और बुद्धिज्म के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया, भारत में जैनिज्म और बुद्धिज्म अच्छा फूला फला है, अच्छे अनुयायी लोग हैं उनके, बराबर है। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, और अगर कोई धर्म किसी देश में अगर फैला है तो उनके धार्मिक स्थान भी होंगे, तो कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप जैन और बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात। गुजरात में अलग अलग जगह पे आपको बुद्धिस्ट और जैन की केव्स दिख जाएगी, जैसे कि वडनगर, तरंगा, खंभाड़िया, सामड़ा जी, कोटेश्वर, तड़ाजा, ढंग, झगड़िया एटसेट्रा। ये भी आपको याद रखना है, वापस आप कुछ बना सकते हो, VTKSKTDJ एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो तड़ाजा की केव का एक फोटो हम एबल वी हैव बीन एबल टू गेट द सेम। फिर ढंग के उसे ये भी हम यहाँ पे पेस्ट करने में कामयाब हो गए, काफ़ी सारी इमेजेस नहीं डाल सकते, ठीक है, यू नो। तो तड़ाजा और ये जो ढंग के, इसीलिए येल्लो येल्लो से दर्शाया गया है कि वी हैव बीन एबल टू गेट द सेम, समझ रहे हो ना, बाकी हमें मिले नहीं है। मिले तो होंगे ही ना, क्यों नहीं मिले होंगे, लेकिन जगह नहीं होती है तो वी हैवंट बीन एबल टू अटैच द सेम। जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन भारत में फूला फला, और परिणाम स्वरूप हमारे देश में उनकी गुफाएं भी बहुत सारी है ना, कहाँ कहाँ पे, वडनगर में, तरंगा में, खंभाड़िया में, सामड़ा जी में, कोटेश्वर में, तड़ाजा में, ढंग में, झगड़िया में, एटसेट्रा में। तो हम हमारा आज का ये पार्ट थ्री है वो हमने अचीव किया, अच्छे से पढ़ाया। मेरे हिसाब से पार्ट 1, 2, 3 अगर देख लिया तो आप अपने 5 मार्क्स अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।